हैंडपंप। गठबंधन के साथ राष्ट्रीय लोक और मजबूत, क्या आरएलडी को जीवित कर देंगे जयंत? राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह हमेशा सियासी साझेदारी में माहिर माने जाते हैं। राष्ट्रीय राजनीति हो या फिर यूपी में सरकार बनाने की बात, हर समय पर अजीत सिंह की सियासत काम आ जाती है। सिर्फ 2014 में अजीत सिंह से चूक लहर के कारण पिछले लोकसभा चुनाव में आरएलडी का खाता भी नहीं खुल पाया, लेकिन इस बार अजीत सिंह केंद्र में सरकार बनाने में बड़ी भूमिका, और शायद इसीलिए बीजेपी के साथ जाने के बजाय अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी गठबंधन को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री सिंह की विरासत को लेकर चलने वाली पार्टी आरएलडी का एक समय में यूपी के साथ साथ केंद्र की पॉलिटिक्स में तूती बोलती थी। उस समय खुद चौधरी चरण सिंह के हाथों में आरएलडी की कमान थी। चौधरी चरण सिंह किसानों के बहुत बड़े नेता थे। पश्चिमी यूपी के साथ साथ प्रदेश की करीब 150 सीटों पर चौधरी चरण सिंह का काफी प्रभाव था, लेकिन चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद जब अजीत सिंह ने लोकदल की कमान संभाली तो उस समय तक सियासी समीकरण बदल चुके थे। लेकिन उसके बावजूद भी अजीत सिंह ने केंद्र से लेकर यूपी तक हर पार्टी की सरकार में शामिल होकर काफी अहम भूमिका निभाई। अजीत सिंह वीपी सिंह नरसिंह राव की सरकार से लेकर अटल बिहारी और मनमोहन सरकार के केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। अजीत सिंह भारतीय राजनीति के ऐसे पुरोधा हैं जो लगभग हर सरकार में मंत्री रहे हैं। मौजूदा समय में अजीत सिंह आरएलडी के अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन उनके बेटे जयंत चौधरी ही पार्टी की गतिविधियों में ज्यादातर सक्रिय रहते हैं। गठबंधन के साथ शामिल होने का फैसला भी जयंत चौधरी ने ही लिया। अब आरएलडी की कमान तीसरी पीढ़ी के हाथों में है। चौधरी चरण सिंह के बाद अजीत सिंह ने हमेशा ऐसी सियासत की जिससे राष्ट्रीय लोकदल हर सरकार में शामिल रहा। बीते कुछ वर्षों से आरएलडी के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, और अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जयंत चौधरी आरएलडी को फिर से जीवित कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और इसी